यो व्हाट्स अप गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो गाइस फाइनली हमारे इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। अब न्यू अपडेट के अंदर क्या क्या आया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आईफोन के अंदर न्यू अपडेट कब आएगा, क्योंकि गाइस आपको पता है हमारे काफी सारे यूजर आईफोन भी है, तो आईफोन प्लेयर भी है, तो उनको मैं आपको बता देता हूं कि आईफोन में अपडेट 2 से 3 दिन के अंदर आएगा। तो आईफोन वाला टेंशन मत लो, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अपडेट मिल जाएगा। अभी गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे जो न्यू अपडेट आया है उसके अंदर क्या क्या आया है, कैसे किसको लेना है, कैसे किस प्रकार सब चीजें वर्क करेगी। तो गाइस चलते हैं सीधा गेम के अंदर, मैं आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, बाकी बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूं अपने गेम के अंदर। गेम को सबसे पहले प्ले करते हैं और चलते हैं सीधा ओपन वर्ल्ड के न्यू वाले मैप के अंदर, क्योंकि गाइस अभी फार्मिंग मोड को चलाएंगे तो एडवर्टाइज देखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए गाइस मैं सीधा ही आ चुका हूं अपने ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर। तो गाइस यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी न्यू कार्स ऐड हुई है, कौन सा न्यू ट्रैक्टर आया है। तो चलते हैं ऑप्शन पे नीचे देखते हैं गाइस कौन सी कार आई है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे आने पे रेंज रोवर, मस्टैंग, जीटी, लैम्बोर्गिनी। गाइस वही पुरानी कार्स, मतलब अपने लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, मस्टैंग, ये कार्स गाइस गेम के अंदर आ चुकी है। आप देख सकते हो गाइस, आप इनको चला सकते हो, मजे ले सकते हो। तो गाइस देख सकते हो अपनी लैम्बोर्गिनी, और मैं आपको दूसरी कार भी दिखा देता हूँ अपनी। ये रही पोर्शे का बोलते पोर्शे, ये रही गाइस अपनी पोर्शे, और पोर्शे के बाद में गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ अब मस्टैंग जेटी। तो गाइस ये रही अपनी मस्टैंग जेटी, और आप मस्टैंग जेटी को भी देख सकते हो। तो गाइस ये कार्स भी आपकी गेम के अंदर आ चुकी है, तो गाइस आप इनको भी चला सकते हो, मजे ले सकते हो। तो ये काफी ज्यादा मजा आ गया। बाकी देख सकते हो गाइस कौन सा न्यू ट्रैक्टर गेम के अंदर आया है, जोटा हार्वेस्ट। गाइस पता नहीं चल रहा न्यू वाला ट्रैक्टर कौन सा आया है इसके अंदर, ये आया ना गाइस न्यू वाला, तो सोनालिका वाला न्यू ट्रैक्टर, सोनालिका 35, सॉरी गाइस वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन गाइस ये वाला सोनालिका ट्रैक्टर हमारे गेम के अंदर न्यू आया है, और इसका लुक तो काफी ज्यादा जबरदस्त है यार। गाइस आप देख सकते हो काफी मस्त लग रहा है। गाइस किस किस का फेवरेट है गाइस, एक बार सोनालिका ओपी लिख देना कमेंट में, किस किस का फेवरेट है, देखते हैं सोनालिका लवर कितने हैं हमारे गेम के अंदर। तो एक बार कमेंट में सब सोनालिका ओपी लिख देना। बाकी गाइस काफी ज्यादा मस्त है, मतलब सोनालिका ट्रैक्टर तो आप देख सकते हो। अब गाइस हमारी कार्स भी हो चुके, ट्रैक्टर भी हो चुका है, कि ये दोनों चीज तो हमारे गेम के अंदर ऐड हो चुकी है। अब हम देखेंगे गाइस व्हील्स की मॉडिफिकेशन, और उसके बाद देखेंगे न्यू वाले व्हील्स। चलो हम न्यू वाले व्हील्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे व्हील्स की मॉडिफिकेशन। तो जाता हूँ व्हील्स पे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हील्स पे जाने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो गाइस अपने टायर वगैरह पे देख सकते हो गाइस बहुत सारे टायर है भाई साहब, बहुत सारे, गजब भाई गजब, इतने सारे टायर है भाई न्यू वाले, इतने टायर ऐड करे भाई। ये टायर मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं गाइस, ये मतलब पता नहीं कैसा लुक है, लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। और गाइस यहाँ पे रिम वगैरह भी चेंज हो चुकी है, तो गाइस मैं आपको न्यू रिम वगैरह भी लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो भाई साहब ये वाली रिम लगा दी, मतलब कुछ भी लगा सकते हो यार आप कुछ भी, मतलब बहुत ओपी लेवल का मतलब अपडेट आया है, और काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आई है आप देख सकते हो। लेकिन गाइस ये वाले व्हील्स अभी थोड़े से अभी सूट नहीं कर रहे, तो हम डिफ़ॉल्ट वाले ट्रैक्टर के व्हील्स लगा लेते हैं, ताकि गाइस वो वाले व्हील्स काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। हम यहाँ पे वो वाले व्हील्स लगा लेते हैं गाइस, ये वाले भाई साहब अपने वो बोलते हैं ना टोचन किंग के अगले वाले व्हील्स, भाई साहब ये ओपी लगते हैं भाई वैसे तो व्हील्स। अब गाइस इन पे रिम वगैरह लगाते हैं तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब काफ़ी बढ़िया लगे। अबे यार ये तो पूरे टायर ही चेंज कर दिया इसने, तो भाई साहब हद होती है यार, अटे यार ये चेंज हो जाते हैं टायर वगैरह चेंज हो जाते हैं, कोई बात नहीं चलो छोड़ो यार। और गाइस इसके अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें आई है, तो गाइस उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको व्हील्स पोजीशन, इसमें पोजीशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो भी आप देख लो इसके अंदर। गाइस आप इसका टायर वगैरह का जो साइज़ है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे। और ये पिछले वाले का भी कर लिया, अगले वाले का भी हो गया, और इसमें थोड़ा बहुत और कस्टमाइजेशन करते हुए इसका सस्पेंशन ही बढ़ा देते हैं। भाई साहब क्या ही लग रहा है अब तो भाई, अरे भाई भाई ओए, अबे भाई क्या ही नशे कर रहा है भाई, तेरे को दिख नहीं रहा इतना बड़ा ट्रैक्टर आया है भाई, क्या ही नशेड़ी है। कोई बात नहीं गाइस कोई बात नहीं, अब देखते हैं गाइस इसके अंदर साइज के अंदर देखते हैं। अब साइज में भाई साहब टायर क्या ही हो गए भाई, क्या ही हो गए टायर भाई, मोन्स्टर लग रहा है भाई ट्रैक्टर, मोन्स्टर भाई साहब, ओ भाई क्या ही, मतलब गाइस देख रहे हो भाई साहब क्या ही लेवल की मॉडिफिकेशन है आप, मतलब ट्रैक्टर को तो भाई क्या ही ट्रैक्टर हुआ, बस हुआ,
जो भी व्हीकल्स ले लो गाइस, उनको भाई क्या ही बना सकते हो, क्या ही यार, जबरदस्त भाई जबरदस्त। आप देख सकते हो व्हील्स वाली मॉडिफिकेशन सबसे तगड़ी आई है गाइस, मैं बोल रहा हूँ व्हील्स वाली मॉडिफिकेशन, ओपी बोलते ओपी भाई, सबसे खतरनाक लेवल की व्हील्स वाली मॉडिफिकेशन आई है। तो गाइस अब चलते हैं एक बार टोचन मोड के अंदर और देखते हैं टोचन मोड में भी ये वर्क करता है या नहीं करता। तो देखते हैं गाइस एक बार टोचन मोड में। तो गाइस अब चलते हैं सीधा टोचन मोड के अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैं टोचन मोड के अंदर आ चुका हूँ और अब यहाँ पे लैम्बोर्गिनी वर्सेस पोर्शे यहाँ पे मतलब ये करते हैं टोचन भाई साहब, मजा आएगा थोड़ा बहुत यहाँ पे फन वगैरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे सीधा फार्मिंग मोड के अंदर और यहाँ पे जो अपना सोनालिका ट्रैक्टर है उसे यहाँ पे फार्मिंग करेंगे। सॉरी गाइस यहाँ पे मैं नेट बंद कर देता हूँ ताकि एड वगैरह तो वरना आते ही रहेंगे। और यहाँ पे अपने लैम्बोर्गिनी ले लिए और इधर ले लेते अपनी पोर्शे। तो गाइस यहाँ पे पोर्शे कहा है, नीचे 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 जाओ, पोर्शे अपनी पोर्शे आ गई। अब इसके अंदर गाइस टोचन करते हैं, देखते कौन जीतेगी भाई साहब। देखो भाई ये हो गया अपना टोचन लैम्बोर्गिनी भाई, छी भाई छी, क्या ही पावर है भाई लैम्बोर्गिनी ने, ऐसे ही लैम्बोर्गिनी को भाई ऐसे ही धूल चटा दी यार भाई साहब, कुछ भी नहीं हो सकता लैम्बोर्गिनी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। लैम्बोर्गिनी गाइस यहाँ पे पूरी तरीके से हार चुकी है, पूरी तरीके से गाइस। यहाँ पे मेरा टोचन मोड से मन भर चुका है, इसी चीज को देख कर गाइस मेरा टोचन मोड से मन भर गया। लैम्बोर्गिनी को इतनी बुरी तरीके से कौन हराता है यार। अब मैं नहीं रुकने वाला, यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधा फार्मिंग मोड के अंदर और यहाँ पे अपना जो सोनालिका DI-35 ऐड हुआ है उससे गाइस यहाँ पे थोड़ी सी फार्मिंग करेंगे और गाइस उसके बाद देखेंगे मजे। तो गाइस यहाँ पे मैं एड एक एड यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक एड वॉच कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने फार्मिंग मोड का यहाँ पे ये एड भी वॉच कर लिया है। अब चलते हैं सीधा फार्मिंग मोड के अंदर और यहाँ पे मैं जो अपना इंटरनेट है यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बार बार यहाँ पे एड वगैरह दिखाएंगे। तो गाइस सबसे पहले तो अपना जो सोनालिका DI-35 है इसका थोड़ा सा लुक वगैरह चेंज कर देते ताकि काफी अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इसका मैं पहले कलर करूंगा। कलर करेंगे इसका ब्लैक, ब्लैक बॉर्डर बना देंगे गाइस इसको। और यहाँ पे व्हील्स के अंदर इसमें थोड़े से वो वाले व्हील्स लगाते हैं गाइस, मेरे फेवरेट वाले ये वाले व्हील्स काफी ज्यादा सही लगते हैं गाइस मेरे को ये वाले व्हील्स। आपको कौन से वाले व्हील्स अच्छे लगे एक बार कॉमेंट में बता देना मेरे को। तो बाकी गाइस इससे फार्मिंग वगैरह करेंगे थोड़ी सी अब, और इसका इंटीरियर लुक देख लो गाइस कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। गाइस मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सोनालिका DI को गेम के अंदर, क्योंकि गाइस आपको पता है मैं इतने दिन से इसकी वीडियो नहीं डाल रहा था, इसलिए गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ इसको। तो गाइस आप करते हैं थोड़ी सी फार्मिंग इससे, आप देख सकते हो गाइस अपना हीरो यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे अपना सोनालिका DI काफी अच्छे तरीके से मक्खन तरीके से यहाँ पे अपनी जो है फार्मिंग वगैरह यहाँ पे कर रहा है और काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। ऑलराइट गाइस, बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जिसने भी अभी तक गेम को अपडेट नहीं किया है जाकर अपडेट कर लेना और गेम के मजे लेना गाइस। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और आपके भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस। आपका भाई का चैनल काफी ज्यादा डाउन जा चुका है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, आपके भाई को वापस आसमान में पहुंचाओ यार। बाकी गाइस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।